हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है तो कैसे भी है? देखो उस टाइम आप कॉलम में बताया था ना, इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 3a-2b+5c सही है। इसको देखो 2a+5b-7c सही है, क्या देखो यहाँ पे। और अभी क्या, और एक और है, और -a-b+c यह देखिए। अब इसको प्लस करना है, क्या करना है प्लस। अब बताए थे तो देखो कि प्लस में, तो प्लस में 5 है और 1 ठीक है, तो 6 में से -7 जाएगा तो -3 होगा कि नहीं होगा है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे एक, हाँ बी और माइनस दिया -2 और 1 3b में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा जी, मतलब 5b में से 3b जाएगा तो +2b हो जाएगा ना, 2b, ताकि प्लस वाला बड़ा हो गया माइनस वाला छोटा हो गया ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पे 3 और 2 5, अब 5 में से 1 गया तो 4a आ गया आपका। अब बताइए ये समझ में आया, देखो 5 प्लस में है अरे वो 6 तो 5 एक 6, 6 में से 7 गया -3 हो जाएगा। ये देखो माइनस और माइनस जुटेगा तो 2 और 1 3, और 3 और प्लस 5 है तो 5 में से 3 जाएगा b हो जाएगा 2b होगा। और उसी प्रकार ये 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4a। चलो ये बन गया आपका आंसर क्लियर। तो इस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ए से -6 ए बी प्लस, तो इसको भी उसी टाइम पे करेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो पहले 8a-6ab+5b सही है, और इसे देखो -6a-ab-8b -4a+2ab+3b। अब क्या करोगे, अब यहाँ से 5 और 3 8 है ना, 5 और 3 8 मतलब 5 और 3 8, और 8 में से 8 गया ये 0 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, कारण कि 5 और 3 8 एक में से 8 गया 0। फिर यहाँ से माइनस वाला 6 और 8 कितना हो जाएगा 7, 6 और 8 कितना होगा 7, क्या होगा जी 7 होगा ना। अब यहाँ पर 7 में से 2a घटेगा तो -5ab। अब देखिए अब यहाँ पे 8 है और 6 को 10 हो जाएगा तो 10 में से 8 घटेगा तो -2a, यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए जी 3x³ - 3x² + 7x - 8 और फिर दिया हुआ है -5x, तो चलेंगे -5x³ दिया हुआ है, उसका क्यूब प्लस 2x² - 4x+1 और फिर दिया हुआ है। अब इसको देखो क्यूब पीछे, तो इसको क्यूब के सामने लाओ -x³, फिर प्लस 5x² लाओ, उसके बाद -6x और +3, यही को अब फिर जोड़ देना है, कोई दिक्कत अब जुड़ जाएगा। अब देखो 8 है और 3 और 1 4 है, तो 3 और 1 4, तो 8 में से 4 गया -4, बड़ा वाला प्लस में माइनस बड़ा है तो प्लस। अब देखो 6 और 4 10 और 10 में से 7 गया -3x हो जाएगा। उसी प्रकार 5 और 2 7 5 और 2 7 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया प्लस में 4x² और ये देखिए 5 और 1 6 हो गया और 6 में से 2 जाएगा तो -4x³, ये आपका आंसर हो गया सही है। चौथा देख लेंगे हम लोग, चौथा भी बहुत हल्का है ठीक है। अब देखो चौथा क्या है, 2x² - 8xy + 7y²
माइनस एक एक्स वाई स्क्वायर और फिर इसको फिर देखो जी सजाना है, दिया हुआ है कितना टू एक्स वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई तो यार टू एक्स वाई यहाँ पर आएगा, उसके बाद दिया हुआ है प्लस सिक्स एक्स वाई तो प्लस सिक्स एक्स वाई यहाँ पर होगा, उसके बाद दिया हुआ माइनस वाई स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर आएगा, उसके बाद दिया हुआ है प्लस थ्री एक्स क्यूब तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा, उसके बाद फिर अगला में दिया हुआ है प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, उसके बाद दिया हुआ है फोर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस एक्स वाई तो प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। चलो इसको बना लिया जाए, अब तुम लोग बना दोगे, बना दोगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, तो एक एक्स स्क्वायर एक एक एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ टू, तो ये दोनों प्लस में है तो प्लस वाला को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो टू और एक थ्री, थ्री तो एट में से थ्री जाएगा तो माइनस फाइव एक्स वाई स्क्वायर। अब चलिए इसमें तो सेवन यानी सेवन और फोर इलेवन, इलेवन में से एक घटेगा ना तो प्लस टेन वाई स्क्वायर। अब चलिए ई माइनस जोड़ेंगे तो एट और एक नाइन, तो नाइन माइनस नाइन एक्स वाई में से सिक्स एक्स वाई घटेगा तो माइनस थ्री एक्स वाई, ठीक है। अब ये थ्री और टू फाइव, फाइव में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो फोर एक्स आपका। देखिए अब यहाँ पर देखो ये दोनों तो माइनस से जुड़ जाएगा तो एट और फिर फोर्टीन, फोर्टीन में से थ्री जाएगा तब माइनस इलेवन एक्स वाई जे, ये देखो एट माइनस माइनस एक माइनस एक माइनस कट जाएगा जे तो माइनस जेड क्यू ना बचेगा, इसने क्या है माइनस जेड क्यू और यहाँ पर देखो दोनों जुट जाएगा तो वाई क्यू में से वाई टू वाई क्यू में से तो प्लस वाई क्यू होगा इसमें भी और इसमें हो जाएगा उसमें वही होगा एक और एक दो, दो में से गया तो एक क्यू, यही आंसर हो गया, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखो इसमें दिया है टू एक्स प्लस एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, अगला टर्म दिया है तो जो है चुन के ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पर एक्स क्यूब ये है, क्या आएगी एक्स क्यूब, तो सबसे पहले दिया हुआ इसमें माइनस सिक्स तो चलिए माइनस सिक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद माइनस थ्री तो माइनस थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर अगले चलेंगे अगला, तो अगला दिया हुआ है टू प्लस एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ आएगा टू और प्लस एक्स स्क्वायर और दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है क्वेश्चन देख लो। और फिर तीसरा अगला दिया हुआ है कि थ्री माइनस एक्स क्यूब थ्री माइनस एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, तो प्लस फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स नहीं खाली फोर एक्स तो माइनस यहाँ पर चलेंगे प्लस फोर एक्स के सामने और अभी उसके माइनस टू एक्स के सामने, जैसे जैसे देख रहे हैं क्यों क्या कर रहे हैं हम लोग सामने सामने जैसे लिख रहे हैं, जिसका अंक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट एक्स है तो एक्स के सामने वाला एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर सामने एक्स क्यों तो एक्स के स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे इतने है ना, हिला लेंगे टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यूब, उसके बाद टू अब प्लस एक्स स्क्वायर उसके बाद थ्री माइनस एक्स क्यूब थ्री माइनस एक्स क्यूब, चलिए इसको सामने लिख देते हैं थ्री माइनस एक्स क्यूब थ्री माइनस एक्स क्यूब
थ्री माइनस क्यू हो जाएगा एक्स क्यूब, थ्री हो गया माइनस एक्स क्यूब और कितना उसके बाद फोर एक्स और माइनस टू एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या करना है हम लोग को जोड़ना है, तो चलिए इधर से ही तो माइनस तीन और एक चार हो जाएगा ना। हाँ चलिए बनाइए सब। चलो तो देखो तो बनाया हो तो छ है सिक्स एक्स क्यू है आई माइनस थ्री है एक फोर, तब सिक्स में से फोर गया तो प्लस टू एक्स क्यू सही है, सिक्स प्लस में दोनों माइनस से जुटेगा ना, तो थ्री एक्स फोर तो सिक्स में से फोर गया टू एक्स क्यू। अब चलो इसमें देखेंगे प्लस में ए है चार है और एक ही है तो फाइव, ये फाइव हो गया और माइनस में कितना होगा दो और एक तीन, तब फाइव में से तीन गया तो प्लस टू एक्स स्क्वायर सही कि नहीं है, चार एक पाँच तो पाँच में से तीन गया टू एक्स स्क्वायर। अब चलो चार एक पाँच, पाँच में से टू जाएगा, पाँच में से कितना जाएगा जी टू, तब कितना प्लस यार देखो फोर आठ एक फाइव, फाइव में से टू गया तो थ्री एक, थ्री एक और यहाँ देखो तीन और दो पाँच, पाँच का दो सात, सात में से छह गया एक, आंसर यही हो गया आपका। ये थोड़ा स्ट्रेच करना है और ये फाइव एक्स प्रो मतलब टू एक्स में से इसको घटाना है तो क्या दिक्कत है, तो टू एक्स माइनस फाइव एक सही है, ये टू एक्स में से फाइव एक्स को माइनस करना है तो टू एक्स माइनस फाइव एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे वाला क्वेश्चन बनाइए, देखिए अब हम इसमें से घटाएंगे तो सिक्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई यही ना, अरे माइनस आई पहला से माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि सिक्स एक्स वाई अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई, इसलिए सेवन एक्स वाई एंसर ठीक है। अब देखिए इसका तो ये फाइव बी माइनस थ्री ए तो यही आपका ये आंसर आ जाएगा क्योंकि b और a में घटता नहीं है, डिफरेंस रहेगा तो नहीं घटेगा। अब ये देखिए 9y माइनस सेवन ए सही है, देखिए 9y में से माइनस सेवन एक्स को घटाना है तो 9y माइनस माइनस सेवन एक, अब बताइए 9y माइनस माइनस प्लस सेवन एक आंसर हो जाएगा। इसको देखिए तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स स्क्वायर, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर में से टेन एक्स स्क्वायर घटाना था तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड होके सेवनटीन एक्स स्क्वायर आंसर। उसी प्रकार इसमें से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से घटाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, अब बताइए कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब माइनस प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में है तो प्लस में सही है, क्या समझ आ रहा है। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब माइनस जो प्लस रहेगा माइनस में माइनस रहेगा वो प्लस में। अब ए देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों प्लस में है तो टू बी स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर माइनस तो दोनों प्लस में है तो टू ए स्क्वायर, इसलिए दो कॉमन ले लोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आंसर, देख लीजिए कितना हो जाएगा ये दो कॉमन लिए तो टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका आंसर हो गया ठीक है। ये बनाएंगे